जय श्री राम। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। राम भक्त हनुमान आपको सौभाग्य दे और आपका कल्याण हो। तुला राशि वाले, राशिफल जानने से पहले चलिए देखते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज का नक्षत्र धनिष्ठा और योग अति गंड बन रहा है। आज का शुभ मुहूर्त 2:18 से 3:08 तक रहेगा। आज का अशुभ राहुकाल 12:13 से 1:47 तक रहेगा। आज आपके लिए नीला रंग शुभ है। आज उत्तर दिशा में किया गया कोई भी काम आपको सफलता देगा। तुला राशि वाले, आज दक्षिण पश्चिम में अगर आप कोई काम करेंगे तो उस काम में आपको बाधा आएगी। तुला राशि वाले, आज आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र और अतिगंड योग के समय मंगल, चंद्र और शनि का प्रबल प्रभाव रहेगा। आज आप जीवन में नई ऊंचाई को छू सकते हैं अगर आज प्लानिंग के साथ आप कोई काम करेंगे। चूंकि मंगल आपकी प्रतिभा को ज़्यादा निखारेगा, मन, कर्म और विचार से आज आप सफलता पाएंगे। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलेगा। चूंकि चंद्र और शनि का प्रभाव आज आप पर थोड़ा ज़्यादा है, आज आप दूसरों की मदद करेंगे। आज आप कुछ नेक काम करने वाले हैं। आज आप धनी और साहसी भी बनेंगे। आज तुला राशि वालों, स्त्रियों के बीच आप ज़्यादा लोकप्रिय बनेंगे। नौकरी में ऊंचा पद मिलेगा पर आपका अभिमान और क्रोध आज आपको परेशानी में पहुंचा सकता है। इसलिए तुला राशि वाले, आज आप क्रोध पर नियंत्रण रखें। आज आप धन और वैभव का आनंद लेंगे। आज आपके अंदर महत्वाकांक्षा तो रहेगी पर आज आप संघर्ष करने से बचेंगे। चूंकि संघर्ष के बाद ही जीवन में सफलता मिलती है, आप संघर्ष करें, मेहनत करें, फिर सफलता का स्वाद चखें। आज आप दूसरों के अपने ओर आकर्षित करेंगे। आज आपकी वाणी में इतना संयम होगा कि लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। पर आज आप व्यवसायी की तुलना में नौकरी करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तुला राशि वालों, आपके जीवन में जीवन साथी का आपके भाग्य को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। आज जीवन साथी का साथ आपके भविष्य को सुंदर बनाएगा। तुला राशि वाले, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो राशिफल के अंत में दिए गए उपाय को जरूर देखें और उस उपाय को करें, आपकी परेशानी दूर होगी। तुला राशि के स्टूडेंट, आज मंगल और चंद्र आपके लिए शुभ योग बना रहा है। पिछले दिनों जो आप मेहनत किए हैं उस मेहनत का फल आज आपको मिल सकता है। बृहस्पति जो आपके 11th हाउस में है, आज आपको कुछ नया, कुछ अच्छा करने का प्रेरणा देगा ताकि आपका भविष्य सुंदर बन सके। तुला राशि वालों, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आज आप अपने पुरानी गलतियों से सीखेंगे और जिंदगी को नई दिशा देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। आज आप अपने काम पर फोकस करें, इंटरव्यू, कॉम्पिटिशन की तैयारी अच्छे से करें। आज अगर आप अपने भविष्य को लेकर थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। तुला राशि वालों, आपके लव लाइफ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपका जीवन साथी सुंदर है, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। प्यार में, व्यवहार में आप अच्छा बने ताकि आपकी जीवन सुंदर बन सके। तुला राशि वाले, जो पति पत्नी के बीच आज साथ मिलेगा, जीवन साथी आज आपके भाग्य को बढ़ाएंगे।
आप एक साथ मिलकर बड़े से बड़े मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं और परिवार का साथ मिलने पे आप बड़े से बड़े चुनौती को भी स्वीकार करेंगे और सफलता पाएंगे। तुला राशि वाले जो नौकरी करते हैं, आज थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, पर आज आपकी योग्यता आपके काम आएगी। आज आप अपने बुद्धि, अपने विद्या के बल पर लाभ कमाएंगे। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए आप शांत मन से सही दिशा में काम करें। व्यापार करने वाले तुला राशि वाले जो व्यापारी हैं, आज आप पुरानी गलती को ना दोहराएं, कुछ नया करें। व्यापार में नई ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न करते रहें। आज धन लगाते समय थोड़ा सोच समझ कर कहीं भी पैसा लगाएं, क्योंकि शनि और मंगल की दशा में आप अगर बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं तो वो पैसा फंस भी सकता है। इसलिए पैसा लगाते समय आप कोई जल्दीबाजी ना करें, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। तो तुला राशि वाले, अगर आपके जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई है तो आप दुर्गा जी का पूजा करें। आज किसी मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा की पूजा करें। पूजा में आप लाल पुष्प, लाल चुनरी, लाल सिंदूर चढ़ाएं और एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा अपनी माँ के सामने जिद करता है, उसी तरह आप देवी माँ के सामने अपनी परेशानी को बताएं, उनसे आशीर्वाद लें। दुर्गा रानी, माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सभी समस्याओं का समाधान जल्द निकलेगा। तुला राशि वाले, अपने राशिफल कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आपका राशिफल लेकर आते हैं। तुला राशि वालों, आज के लिए इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।